हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने देखा होगा ज्यादातर जीएसटी या 2A के अंदर सभी के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम जब जीएसटी या 2A में जाते हैं तो वहां पे जीएसटी नंबर के आगे आपके राइट हैंड की तरफ नो का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, रिटर्न डैशबोर्ड पे गया, रिटर्न डैशबोर्ड जाने के बाद जब हम मंथ सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे जीएसटी या 2A, इसमें जब हम जाते हैं और जब B2B पे क्लिक करते हैं तो कई लोगों के सामने प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि देखिए मैंने ये अभी लॉगिन किया हुआ है, इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके आगे नो लिखा हुआ आ रहा है और इस जीएसटी नंबर के आगे भी नो लिखा हुआ आ रहा है, जबकि इनके आगे यस लिखा हुआ रहा है, इसके आगे भी यस लिखा हुआ रहा है, इसके आगे भी यस लिखा हुआ रहा है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो इन तीनों के सामने भी यस लिखा हुआ रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि जब आप अपने जीएसटी या 2 में जाके फाइल को जनरेट करते हैं, मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बता रखा था कि जीएसटी या 2A से जीएसटी या 2 के अंदर हम अपने फाइल को कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे कि अब जीएसटी 2A में गया, मैंने आपको दिखाया कि उसके आगे नो लिखा हुआ आ रहा है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम जीएसटी 2 में जाएंगे, अब यहां पे आने के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, यानी इस फील्ड को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा, यहाँ पे आपके सामने सेव का ऑप्शन आएगा। अब इसके अंदर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये अब वहां पे देखिए नो लिखा हुआ रहा था। नो लिखने का मतलब है कि हम इस बिल के साथ कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि मैं क्या आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपने जीएसटी 2A में जाते हैं और किसी पार्टी के राइट हैंड साइड देखते हैं अपने जीएसटी 2 के अंदर, तो वहां पे नो का ऑप्शन आता है। वो नो किस लिए आता है, अब इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन ये है कि जो आपका सप्लायर है जिससे आपने माल परचेज किया है, उसने अभी तक अपने फाइल को फिल नहीं किया, ओनली सेव किया है, फिल नहीं किया, ना ही उसने सबमिट किया है। अगर इस केस में उसने सबमिट कर दिया या फिल कर दिया तब आपके सामने नो का ऑप्शन नहीं आएगा, यस का ऑप्शन आएगा। और ये भी जो आप देख रहे हैं कि इस समय ये रेड सिग्नल आ रहा है कि इस पर आप काम नहीं कर सकते, नो एक्शन टेकन लिखा हो रहा है, यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब मुझे क्या इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अब मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। बस आपको करना क्या है, एड मिसिंग बिल पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद उस पार्टी का रजिस्टर नंबर डाल देना है, इनवॉइस नंबर डाल देना है, इनवॉइस डेट डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो अगला प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आप अपने सप्लायर को बताएंगे, चाहे वो कॉल के थ्रू बताइए, मैसेज के थ्रू बताइए, मेल के थ्रू बताइए, आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि वो अपने जीएसटी 1A में जाएं और जो मैंने बिल को एड मिसिंग बिल में जो मैंने सेव किया था वो आपके जीएसटी 1A के अंदर मेंशन हो रहा हुआ, आप उसे एक्सेप्ट कर ले ताकि मुझे उसका इनपुट मिल जाए। अब आपके मन में आया होगा क्या इसके बाद भी मुझे कुछ करना है, तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। लेकिन आपके सप्लायर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जीएसटी 3 से पहले अपने जीएसटी 1A को क्लियर करना होगा, यानी उसको सबमिट करना होगा, उसके बाद ही वो अपने जीएसटी 3 को भरे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर वो अपने जीएसटी 3 फिल करने से पहले जीएसटी 1A को फिल कर देता है तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी और आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। आपको तो उसका इनपुट मिलना ही मिलना है, डिपेंड करता है सप्लायर पे कि वो एक्सेप्ट करता है जीएसटी 3 से पहले या बाद में। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम अपने
जो GSTR 2A के अंदर नो का ऑप्शन आ रहा है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे GSTR 2 के अंदर लाएंगे और हमें क्या करना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इससे काफी हेल्प मिल रही होगी। अब कि जिसके मन में डाउट आ रहा होगा कि अब GSTR 2A में नो का ऑप्शन आ रहा है, वो बिल मेरे GSTR 2A में आ रहा है तो मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं कर पा रहा, तो इसका क्या कारण था मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों आप लोग अपना काम करिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रहा है तो सोल्यूशन मैंने बता दिया है, आप इस सोल्यूशन को लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। दोस्तों थैंक यू सो मच।